युगो युगो से चल रहा है मेल, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल, आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनी शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 6 अप्रैल 2020 दिन सोमवार, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज त्रयोदशी तिथि दोपहर 3:51 तक रहेगी और उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 11:58 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 7:40 से लेकर 9:14 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। चलिए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपको अपनी बुआ के घर से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि आप टीचिंग के सेक्टर में जॉब करते हैं तो आज आपको अपने प्रमोशन की सूचना प्राप्त हो सकती है और जो लोग टीचिंग लाइन में जॉब तलाश कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हो या स्कूल के टीचर बनना चाहते हो, आज उन्हें शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपके पास पैसा स्पेयर पड़ा है और आप इसे इन्वेस्ट करने के ऑप्शन तलाश रहे हैं तो आज आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए और ढंग से प्रॉपर्टी के रेट्स को स्टडी करके समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। और देखकर कि भविष्य में क्या स्कोप है उस एरिया में जहां पर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, इस सब की जांच पड़ताल करके प्रॉपर्टी डीलर से बात करने के पश्चात आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे भविष्य में चलकर आपके धन के भंडारों में वृद्धि होगी। आज आपको अपने खर्चों पर भी काबू रखने की जरूरत है। आज आपको अपनी जुबान पर भी काबू रखना है, अन्यथा आपके घर में आज कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज दूध और दही दान ना करें। कन्या राशि वालों, अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिष्य जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे यदि व्यापारी लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके व्यापार में उन्हें लगातार घाटा होता जा रहा है,
जो भी स्टॉक वे खरीद कर लाते हैं या तो वो बिकता नहीं है या वो खराब हो जाता है। तो आज इस उपाय को करने से निश्चित तौर पर आपके व्यापार में जो आपको हानि हो रही है वो होना बंद हो जाएगी। आज आप अपने व्यापार स्थल पर प्रातःकाल गायत्री मंत्र के द्वारा हवन करवाएं। व्यापार स्थल पर आप हवन कुंड की भभूति को किसी सफेद रंग के कपड़े में डालकर रख लें। इससे आपके व्यापार में आपको हानि बंद हो जाएगी और आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा। यदि आप आगे भी कोई परेशानी महसूस करते हैं या आपकी सेहत खराब होती है तो आप इस हवन कुंड की भभूति को का तिलक अपने माथे पर करें। इससे आपके शारीरिक कष्ट तुरंत ही दूर हो जाएंगे और आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। मेरा नाम हरिपाल है, मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं लगभग 1 महीने पहले यहाँ गुरुजी के पास आया था, तो उस समय मैं बिल्कुल 0 हो रखा था, जैसे मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मेरी कुंडली देख के मेरे को बताया कि सारे ग्रह खराब हैं, तो उनके अनुसार से जो उन्होंने मेरे को उपाय करने के लिए बताया और ये जो रिंग्स पहन रखी है मैंने, उन्होंने डालने के लिए बोला और मैंने उनको फॉलो किया। और फॉलो होने के बाद में मेरे को कम से कम 20 से 22 दिन में मेरे को रिजल्ट मिलने शुरू हुए। और आज मेरे इमिग्रेशन के काम में मेरे कम से कम भी 5 वीजा हो चुके हैं मेरे, अभी और भी काम हो रहे हैं मेरे बाकी। और लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मार्केट में बहुत सारे फेक लोग घूमते हैं जो दावे करते हैं कि मैं ये हम ये पहनाते हैं वो करते हैं, मैं बहुत ज्यादा हुआ हूँ। लेकिन मैं सबसे ये विनती करता हूँ, साधन निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ आओ, गुरुजी को एक बार अवसर दो, आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और जैसे गुरुजी बोले वैसे करो, आपको जरूर फायदा होगा। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।